आखिर में शिक्षकों की कमी ने नाराज प्रयास स्कूल की छात्राओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। छात्राएं स्कूल छोड़कर बाईपास सड़क पर आ पहुंची और चक्का जाम कर दिया। छात्राओं का ये आरोप है कि शिक्षकों की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। छात्राओं के सड़क पर प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक वहां लंबा जाम लगा रहा और जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने छात्राओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। जो प्रयास विद्यालय में गुरु पढ़ा रहे हैं, स्टेट लेवल पे इनको जो अभी आवंटित हुआ है अभी जुलाई में, और जैसे आवंटित हुआ है तो इनको जो निर्देश दिया गया कि आप तत्काल क्लास शुरू करें। बच्चों से मेरी बात भी हुई थी कि मंडे से आपके क्लास रेगुलर होंगे, और क्लास रेगुलर आज शुरू किए थे, लेकिन क्लास शुरू होने के बीच में बच्चों ने फिर वॉकआउट किया है। बच्चों का कहना ये है कि हमारे जो फैकल्टीज हैं बीच में चेंज नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस मामले में अब इस ऊपर लेवल से अपन बात करेंगे कि फैकल्टीज इनका चेंज ना हो। जो हमारी संस्था पढ़ा रही है उनको बताया जाएगा कि अपने फैकल्टी जो सब्जेक्ट टीचर है वो चेंज ना करें, वो कंटिन्यू रखेंगे। सर आज हम लोग ये कदम नहीं उठाए ना तो कभी नहीं होने वाले, बहुत पहले से होते चला रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा। सर कितने बार इस तरीके से सर हम लोग बहुत बार किए हैं, लिख के भी दिए हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं होता। सर हमने कितने लेटर लिए लिखे हैं पहुँच ही नहीं पाता सर, इसलिए हम लोग कोई मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है। सर हम लोग के करने का ये रीज़न है कि हम लोग की बात को सुना नहीं जा रहा था, इसलिए हमको ये मजबूरी में ये कदम उठाया गया। हम जानबूझ के नहीं किए हैं सर। क्या मांग है आप लोगों की? सर हम लोग की मांग ये है कि जो अभी टीचर्स नहीं है 11th के, वो चाहिए हमको, और हम लोग का प्रॉपर हम लोग के जो प्रयास में वहाँ विजिट करने के लिए हर महीने कलेक्टर साहब आए, ताकि उनको पता चले कि हम लोग के जो प्रयास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और गरियाबंद से खबर, जहां ग्रामीणों ने चक्का जाम कर नेशनल हाईवे 130 पर विरोध प्रदर्शन किया, मुक्तिधाम से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग के साथ, और सफाई और कब्जा हटाए जाने को लेकर ये लामबंद हुए हैं। दरअसल हरदी भाटा मैनपुर मुक्तिधाम में पसरी गंदगी और साप्ताहिक बाजार के दिन मैनपुर पूरी तरह से बंद हुआ। चक्का जाम से आवाजाही प्रभावित हुई और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया, हालांकि साफ सफाई और कब्जा हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। गरियाबंद में 48 महिलाओं से 60 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। लोन में छूट और बीमा का झांसा देकर यह ठगी हुई। आरोपी के घर महिलाओं ने हंगामा किया। दरअसल उरमाल के किशन दिवांगन पर यह आरोप लगा है। थाने पर पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत दी गई और देवभोग थाना क्षेत्र के उरमाल का ये पूरा मामला। शेख इमरान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। इमरान, ये अपनी तरह का एक अलग ही मामला नजर आ रहा है, क्या है पूरी कहानी? जी देखिए, ये देवभोग थाना क्षेत्र के उरमाल का एक पूरा मामला है, जहां उरमाल में रहने वाला किशन देवांगन पिछले 3 साल से लगातार महिलाओं के नाम से समूह बनाकर देवभोग में संचालित कई माइक्रो फाइनेंस का जो बैंक है वहां से लोन निकाला गया है। लगातार लोन की किस्त पटा और जब किस्त नहीं पटा तो जो है बैंक जो कर्मी है वो महिलाओं के घर पहुंचे, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि जो किशन देवांगन है वो महिलाओं को आकर्षक बीमा और लोन में छूट के नाम से 60 लाख रुपए की ठगी की है। इसके बाद महिलाओं को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है और वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर तमाम महिलाएं एकत्रित हुए और उसके बाद आरोपी के घर जाकर जोरदार हंगामा किए। हंगामे के बाद तमाम जो महिलाएं हैं 48 महिलाएं जो है वो देवभोग थाना पहुंच गए और देवभोग थाना पहुंच कर उक्त व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाए हैं। देवभोग पुलिस इस पूरे जांच पड़ताल कर रहे हैं और जाहिर तौर पर यह अलग मामला है कि कैसे इस तरह की धोखाधड़ी हुई, क्योंकि महिला समूह बनाकर जो आरोपी है उरमाल का रहने वाला वो बकायदा लोन निकालता है और लोन की किस्त कुछ जमा करते हैं, जब जमा नहीं होता तो महिलाओं के घर जो है वसूली के लिए आदमी पहुंचते हैं, तब इसका भांडाफोड़ होता है। और ये किस तरह का ठगी है और आखिरकार इतने सारे पैसे वो कहाँ है? फिलहाल आरोपी जो है अपने घर में ताला लगाकर फरार है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सरगुजा में ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक हो गई है। दरअसल ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। सड़क हादसों पर भी लगाम लगाने के लिए ये
मददगार है। दरअसल हम बात करें सरगुजा ट्रैफिक पुलिस को मिले इंटरसेप्टर वाहन की। जी हां, इंटरसेप्टर वाहन से ओवर स्पीडिंग को पूरी तरह से रोका जाएगा और ओवर स्पीडिंग न होने पर आप दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं। और साथ ही ओवर स्पीडिंग करने वाली गाड़ियों को अब उन्हीं के घर पर चालान भेज दिया जाएगा बिना किसी रोक टोक के। और इंटरसेप्टर वाहन का यहां पर तैनाती होना, शहर में आने जाने वाले उन गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहां पर तय है और तेज रफ्तार वाहनों की फोटो खींचकर सीधा चालान उनका भेजा जाएगा। हालांकि ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना और अन्य ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन ना हो, इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सड़कों में अगर आप तेज रफ्तार वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यातायात पुलिस का इंटरसेप्टर वाहन आपका इंतजार कर रहा है। ये देखिए, ये इंटरसेप्टर वाहन है और इसमें तेज रफ्तार चलने वाले जो वाहन है उसको कैद किया जा रहा है और उसके साथ ही चलानी कार्रवाई की जा रही है। दिखाएंगे हम कि किस तरह से ये काम करता है और यहाँ पर किस तरह से ये व्यवस्था की गई है यातायात पुलिस के द्वारा, और जिसके कारण जो है दुर्घटनाओं को रोक सके और चलानी कार्रवाई भी कर सके। सर ये बताइए कि कितने स्पीड जो वाहन आता है उसको आप लोग कैद करते हैं इस कैमरा में और कैसे कार्रवाई होती है? इसमें रोड के अनुसार स्पीड सेट किया जाता है और जो स्पीड सेट किया जाता है उससे अधिक गाड़ियां चलती हैं तो उसको ये मशीन अपने आप सेव कर लेती है, और जो सेव होता है उसको अपना यातायात में त्रिनेत्र के माध्यम से उसको व्हाट्सएप के माध्यम से त्रिनेत्र में भेजा जाता है और फिर वहां से चालानी कार्रवाई की जाती है। कितना का स्पीड रहता है जैसे कार की बात करें और ट्रकों की बात करें तो? ये अभी यहाँ जो कार्रवाई चल रहा है, यहाँ कार का स्पीड 80 है, 80 से जो पार होता है उसको सेव किया जाता है चलानी कार्रवाई के लिए, और ट्रक का स्पीड अभी यहाँ 70 है, 70 जो पार होता है उसको चलानी कार्रवाई के लिए सेव किया जाता है। अभी कितने ये वाहन अभी सरगुजा में हैं, क्या लगता है? अभी सरगुजा में एक ही वाहन यहाँ आया हुआ है। और गरियाबंद के अमलीपदर में सुखा तेल नदी पर अधूरे पुल निर्माण काम की वजह से लोग अब जान जोखिम में डालकर इससे आवाजाही करने को मजबूर हैं। अमलीपदर सरपंच ने पुल निर्माण के लिए मोर्चा खोल दिया है। पुल के अभाव में क्षतिग्रस्त रपटा से आवाजाही करने के लिए लोग मजबूर हैं, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं, आम राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सरपंच ने डायवर्जन रूट को दुरुस्त किए जाने की मांग की है और 7 अगस्त तक मार्ग दुरुस्त नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। पुल का निर्माण 7 करोड़ की लागत से साल 2023 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। सुखा नाला के जो निर्माण कार्य की वजह से वहां का पुराना सड़क था वो तोड़ दिया गया है निर्माण कार्य के चलते। इससे क्या है कि वहां पे बीच बीच में गड्ढा आ गया है और वहां का पानी के बहाव और गहराई में हमेशा भ्रमित पैदा कर सकता है। इस आशय की सूचना हम दोनों तरफ से चेतावनी का बैनर लगा दिए हैं और लोगों को एहतियात बरतने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग वहाँ पे कोटवार और पटवारी का निगरानी रखे हुए हैं। अहम बात ये लिखा हूँ, 2 साल पूर्व से पुलिया बनते बन रहा था, वो बंद हो गया, अभी तक बना नहीं। उसके प्रांत एपरो जोड भी बनाए तो 3-4 फीट गड्ढा करके उसको बनाए, वहाँ पानी और रेत भर गया। उस रोड में एप्रोच रोड में आना जाना भी बंद हो गया और आए दिन विद्यार्थी बच्चे और आगमन हमारे किसान जितने भी आ रहे हैं सब रपटा में गिरते जा रहे हैं। ये जब तक नहीं बनेगा तो मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा और ये शासन प्रशासन इसका जवाबदारी रहेंगे। आप कितना दिन का अल्टीमेटम दिया? मैं 5 दिन का। और छत्तीसगढ़ में अब 500 पीएम जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। दरअसल 80% तक सस्ती जेनेरिक दवाइयां लोगों को मिल सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का इस पर बयान आया, कांग्रेस की सरकार ने योजना शुरू नहीं होने दी, शासन स्तर पर औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धन्वंतरी योजना की भी समीक्षा होगी, अनियमितता की जाँच होगी। और श्याम बिहारी जायसवाल का ये कहना है, सरकार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र जो जन औषधि केंद्र है
इसको बंद करने का प्रयास किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री सब जुड़ा था, लेकिन अब जो है जितने भी बंद हो चुकी हैं उनको शुरुआत पुनः कर रहे हैं, और जितने भी जगह हमको मिल सकते हैं, हम लोगों ने 500 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य रखा है, हमारे घोषणा पत्र में भी है, धीरे धीरे करके हम लोग 500 जगहों में खोलेंगे जी। जो जन औषधि केंद्र संचालित है मंत्री जी, उसमें से आधे से ज्यादा तो बंद है, और जहां खुले हुए हैं वहां दवाई की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही, इसकी भी शिकायत लगातार मिल रही है। पिछले सरकार ने किसी प्रकार के इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि अभी जब से हमारी सरकार आई है तो हम लोगों ने उसमें दवाई की सप्लाई नियमित हो सके, उनको प्राइम लोकेशन में हम दुकान दे सकें, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कर सकते हैं सरकार की ओर से मदद करके ऐसे जन औषधि केंद्रों को प्रारंभ करने वाले हैं, जहां पे अन्य उसमें इच्छुक नहीं मिलेंगे, उसको विभाग स्वयं ही जन औषधि केंद्र को चलाएगी। और आज कश्मीर से धारा 370 को खत्म हुए पूरे 5 साल हो गए, इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाना हमारा एजेंडा था, और इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान तक दिया, उनके सपनों को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मतलब हम लोगों के एजेंडा में था, और इसी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान भी हो गए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 कश्मीर से हटा, अब वहाँ कोई भी देश का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, बस सकता है, पहले ये सुविधा वहाँ पर नहीं थी। और कवर्धा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, और मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से भोरम देव में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री भोरम देव मंदिर पहुंचे, और जहां शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की, और इस पूजा अर्चना में प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे, और आपको बता दें कि श्रावण मास के तीसरे सोमवार के मौके पर भोरम देव के शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए कांवड़िया भारी तादाद में यहां पहुंचे। मैं भगवान की पूजा किए हैं, देवाधिदेव महादेव का विधिवत पूजा किए हैं, और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, सभी छत्तीसगढ़वासियों का जीवन मंगलमय हो, आज भोले बाबा से आशीर्वाद मांगे। और इस बार हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवड़ियों के ऊपर में। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में वेदना थे इस विषय को लेकर के, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने हृदय में ही निश्चय किया होगा, और जब उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कि सोमवार के दिन में जब कांवड़ियों का एक बड़ा जत्था होगा भोरमदेव महाराज के पवित्र प्रांगण में, उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके सम्मान की पुनर्स्थापना की जाएगी। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और जिन्होंने लाठियाँ बरसाई थी मुझाने, आज तो पुष्प वर्षा उन पर हुई है, आज तो उनका चरण छू करके उनको प्रणाम किया गया है। और जिस चौक पर कवर्धा के नौजवानों के पीठ पर लाठियां बरसाई गई थी, उसी चौक पर पुलिस विभाग ने आरती उतारकर कांवड़ियों के पहले जत्थे का सम्मान किया है।